सिंगरौली के जियावन में कोरोना की ड्यूटी में तैनात पंचायत सचिव करुणेश द्विवेदी से आरक्षक अभिषेक त्रिपाठी ने गाली गलौज की और अवैध वसूली का आरोप लगाया। उधर पंचायत सचिव ने इसकी शिकायत SDM से की है। विवाद मौके पर पहुंचे TI के सामने हुआ। बताया जा रहा है कि 3 अन्य लोगों की भी यहां कोरोना नियमों के पालन कराने की ड्यूटी लगाई गई थी। उधर मौके पर पहुंचे TI ने दोनों को विवाद न करने की समझाइश दी, लेकिन पुलिस ने आरक्षक की शिकायत पर 2 सरकारी कर्मचारियों और सुरेश कांत सहित अन्य लोगों पर गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया। ये है कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, और इस क्षेत्र में लगभग हमको मंडल के नाम से, मैं मंडल अध्यक्ष जरूर नहीं हूँ लेकिन मुझे मंडल के नाम से पूरी यहाँ जनता जानती है और भी जानती है कि ये मतलब जनता के हित में काम करते हैं, बोलते रहते हैं हर जगह। तो कई लोगों ने हमसे बार बार ये कहा कि अब जो अभिषेक तिवारी है तो वो TI और SDOP के नाम पर मतलब वसूली करता है और हम लोगों को डरवाता हड़काता रहता है बार बार। तो मैंने TI से भी और SDOP साहब से भी मतलब उनसे हमने ये चर्चा किया था कि इस कांस्टेबल को हटवा दीजिए या जो कुछ कीजिए यहाँ से, और या तो उसको समझा दीजिए। कल जियामन चेक पोस्ट पर हम 3 लोगों की ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी, 3 सचिव साथी थे, मैं 2 और अन्य थे, 1 कोटवार। उस समय मेरे 2 साथी खाना खा रहे थे, मैं करीब 11 बजे अकेले उस चेक पोस्ट पर बैठा था। इतने में एक बोलेरो गाड़ी आई, उसमें से टी शर्ट और जींस का पैंट पहने हुए एक नौजवान उतरा नीचे, और एक सामने गाड़ी खड़ी थी, मैं उस गाड़ी वाले से बात कर रहा था, उसको बता रहा था कि मास्क लगाओ, मास्क क्यों नहीं लगाया। इतने वो गाड़ी से उतरता है नौजवान, कहता है साले भोसड़ी वाले जाम लगा के रखे हो, अवैध वसूली कर रहे हैं, तेरी माँ की ऐसी तैसी कर दूंगा, ये कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा, जानता नहीं तू। मैंने उससे पूछा हो कौन भैया, आप भी मास्क लगाओ, पहले मास्क नहीं लगाया। उसने कहा मुझे नहीं जानते हो, मैं तेरा बाप हूँ, मैं पुलिस हूँ यहाँ का, अभिषेक त्रिपाठी मेरा नाम है, मैं जेल में डाल दूंगा। इतने मैंने उनसे कहा भैया गाली मत दो, बैठो अपने अधिकारी को फोन लगाओ, मैं यहाँ कोरोना की ड्यूटी कर रहा हूँ, आप मुझे गाली क्यों दे रहे हो। उसने कहा आप अवैध वसूली कर रहे हो। मैंने कहा आपके पास क्या सबूत है, कौन बताया आपको कि अवैध वसूली कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ अकेले बैठा हूँ। घटना को लेकर पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश कांत द्विवेदी ने बताया कि अभिषेक त्रिपाठी के अवैध वसूली की रिकॉर्डिंग और वीडियो उन्हें कई दिनों से लोगों से मिल रहे थे, जिसकी शिकायत उन्होंने SDOP और TI से की थी। इसी रंजिश के चलते अभिषेक त्रिपाठी ने अपनी झूठी शिकायत में उनका नाम लिखा दिया है। उधर इस घटना का संज्ञान पंचायत सचिव संघ ने भी लिया और दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। जब भी COVID-19 के लिए ड्यूटी बनाई गई तो उन्हें कोरोना योद्धा भी बनाया गया और चेक पोस्ट में भी ड्यूटियां दी गई। उसी दौरान कल करुणेश द्विवेदी जियावन चेक पोस्ट पर ड्यूटी करते हुए लगभग 11 बजे रात अनरेस्ट पुलिस वहां गई देवसर की और उनके साथ गाली गलौज भी किया और हमारे सचिवों के ड्यूटी पीरियड में कोई सुरक्षा व्यवस्था प्रशासन द्वारा आज तक नहीं दी गई है और उनके खिलाफ भी मुकदमा बल्कि कायम किया जाना चाहिए। कल से चेक पोस्ट चालू हुआ है, यहाँ पर माननीय जिम साहब के आदेश से यहाँ पर 3 शिफ्ट पालियों में ड्यूटी लगाई गई है कर्मचारियों की, जिसमें सचिव और पटवारियों की भी ड्यूटी लगी है, लेकिन अभी पुलिस विभाग की तरफ से भी कोई कल से अभी तक तो उपस्थित नहीं हुए हैं, मतलब ये कोई सूचना मिली है कि यहाँ पर पुलिस विभाग के कोई कर्मचारी की ड्यूटी लगी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।